Welcome to my locker. होली पे छुट्टियां हो जाती हैं. सिद्धार्थ की हो गई, लेकिन आज और भी किसी की यहाँ से छुट्टी होगी, मगर किसकी? We'll find out. ये सारे कैदी जो अंदर बैठे बैठे ज्योतिष बन रहे हैं कि पिछले हफ्ते ये हुआ तो इस हफ्ते ये होगा, ये शायद भूल गए हैं कि आगे आने वाले 7 हफ्तों तक इनका राशिफल मैं लिखूंगी. कल बड़े रंग उड़े, कल रंगों का खेल हुआ और कईयों के चेहरे का रंग उड़ गया, और जिनका नहीं उड़ा उनका आज उड़ेगा. आज सभी चार्जशीट लगे कैदियों में से कोई होगा बाहर. सिर्फ शिवम और अली सेफ हैं, बाकी कोई सेफ नहीं. काट, कैदियों को यार्ड एरिया में लेके आओ. सो 9 अनसेफ कैदीज एंड 2 सेफ कैदीज. शिवम, तुम्हारी पैंट कहाँ है? वो उसमें पानी गिर गया था, पूरा सब कुछ गीला हो गया मेरा. तो वैसे होली के दिन सब भांग पीते हैं और अपने होशो हवास खो देते हैं. आई थिंक जिन लोगों ने अपने आप को खुद चार्जशीट में डाला है उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि क्यों किसी को अपने आप को चार्जशीट में डालना चाहिए. इतनी क्या महानता या एक दिखाना था कि आप कितने त्याग कर सकते हो. कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहा था बबीता जी को कन्विंस करने के लिए कि हम दो नहीं जाते चार्जशीट में, हम आपकी टीम या मेरी टीम में से कोई भी एक जाए. टॉस के लिए भी मैंने फाइनली बोला, बट वो मानी नहीं, तो फिर हमें एक दूसरे को ही करना पड़ा. ये सारा गेम ही कन्विंस करने का था. लेकिन तुम्हें टॉस के बहुत शौक है मुनव्वर, तो आज देखो किस्मत ने तुम्हारे साथ क्या टॉस किया है. यू विल सी नाउ. कल मैंने आप सबको कुछ मिठाइयां खिलाई थी. किस किस की वापस से मिठाई खाने की इच्छा है? चलो सभी के लिए मंगवा लेते हैं. गार्ड्स, ओह क्या बात है, लाइविश एकदम. लो भाई, सबके मिठाइयों के नाम के मैम क्लिप बैंड आए हुए हैं. जिसने जो जो खाई है मुझे लगता है उनको ये सर पर अपने पहन लेना चाहिए. यस, कल मिठाई तो आप लोगों ने खा ली, लेकिन एक गुड न्यूज नहीं सुनी. तो गुड न्यूज ये है कि आपकी पसंद की मिठाइयों ने आपको 3 अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया है, जिस बेसिस पे आप में से कोई एक कैदी लॉकअप से लॉकआउट हो जाएगा. अगर आपको ऐसा लगा होगा कि मैं आपके साथ होली खेलना चाहती हूँ, तो ये पूरी तरह से सच नहीं था. थोड़ी सच्चाई थी इसमें, लेकिन पूरी नहीं. इसमें भी एक अत्याचार था जो आपको पता चलेगा. अब चार्जशीट में आप लोगों ने सब कुछ अपनी किस्मत पे डाल दिया. मतलब आप में से कुछ ऐसे हैं जिनको बहुत भरोसा है अपनी किस्मत. लेट्स प्ले किस्मत किस्मत नाउ. जो मिठाई आप लोगों ने खाई उसके हेयर बैंड्स तो अब आपने पहन ही लिए हैं. अब यही आपकी किस्मत का फैसला करेंगे. तो कल जिन्होंने लड्डू खाए थे वो हैं सारा, बबीता और अंजलि. आप लोग उठिए और वहां सामने आके खड़े हो जाइए. आप लोगों ने कल लड्डू खाए थे, और जैसे लड्डू कई अलग प्रकार के होते हैं, वैसे ही हमारी जनता भी अलग अलग टाइप की होती है. अब आप हैं जनता के हवाले. आप तीनों की किस्मत का फैसला करेगी जजमेंटल जनता. आई विल बी बैक इन अ व्हाइल. मुनावर क्या कह रहे थे कि मैंने कन्विंस करने की कोशिश की, नाम नहीं दिया. नाम तो मैंने शुरू में जाते ही दिया था. आपने नहीं दिया पहले, पहले मैंने दिया. चलो आपने पहले दिया, आपने क्या नाम तो दिया? वही मैंने बोला है? क्या आप मैंने पहले नाम तो दो तो भी आपने मना किया. आपको बोला मेरी टीम से आप नाम दो तो भी आपने मना किया. पहले आपकी टीम से मैंने नाम दिया ना, दिया क्यों नहीं? पहले मैंने दिया आपकी टीम से, वो ही बोल रहा था. तो आपने भी मेरी टीम का पहले एक तो नाम मना ही कर दिया कि इसका तो नाम मैं नहीं लूंगा. एक दो नाम की बात नहीं कर रहा, शुरू जब हुआ वो तो दोनों की बराबरी हुई ना. हाँ. तो मैं वो क्या बोला, मैं वही बोला कि मैं बहुत कोशिश कर रहा था. कोशिश तो मैंने भी की थी. हाँ, तो दोनों ने कोशिश की थी पर दोनों नहीं पहुंच पाए तो आगे. पर हम दोनों ने सबसे ज्यादा की ना हमारा नाम ना. लेकिन हम मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरा नाम, आप भी नहीं चाहते थे आपका नाम आए. बहुत मेहनत की ना अपन, वही बताया जो उन्होंने ऑलरेडी देखा है. राजू कतरी टीम अपन ने
अपनी काजू कतलियां लग गई है, दाव पे लगी हुई है। मैं पहले से खाया ना तभी मेरे को आ गया था। जजमेंटल जनता आपके हर एक्शन, हर बिहेवियर पे नजर रखती है। सब कुछ उनके हाथ में है, वो चाहे तो आपको बचा सकते हैं या तो आपको लॉकआउट कर सकते हैं। आज जजमेंटल जनता ने आप तीनों में से किसी एक कैदी को सबसे ज्यादा वोट्स देके सेफ किया है। मुनव्वर, तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें जजमेंटल जनता का मौका मिलता तो तुम सेफ हो गए होते। I feel that. पर तुमने तो सब कुछ किस्मत पे डाल दिया था। मैंने किस्मत पे नहीं डाला था, अभी काजू कतली सच में बहुत पसंद है। तो वो शॉर्टलिस्ट हो जाता कि तीन लोगों में ही वोटिंग है तो शायद आई फील अच्छा होता। चलो भुगतो आप। कैदिस, आप लोगों के हिसाब से इन तीनों में से जजमेंटल जनता ने सबसे ज्यादा वोट किसको दिए होंगे? सारा खान। करण? बबीता जी। क्यों? बबीता जी की एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है इंडिया में और इनके फैंस शायद डिजिटल पे ना हो लेकिन बबीता जी की वजह से शायद वो आए हों इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इनको देखने के लिए इनका, क्योंकि पहली बार ये ऐसे एक शो पर आई हैं तो मुझे लगता है कि वो फैन फॉलोइंग जो लिटरली रिस्पेक्ट करते बबीता जी को, वो उन्हें बचा देंगे। मुनव्वर, इस हफ्ते जो परफॉर्मेंस था अंजलि का, शी वाज गिविंग 100%। आई थिंक लोग देखना चाहते उसको, एक्सपेक्ट जो कर रहे थे उससे। निशा? आई थिंक उसकी ऑडियंस, मुझे भी लगता है अंजलि, बिकॉज मैंने उनका ग्रोथ का ग्राफ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हाई रहा है एंड शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू कनेक्ट सबसे वन ऑन वन, तो इसलिए मुझे लगता है अंजलि। सारा, आपको क्या लगता है? बबीता जी, सिंस इंडिया का बहुत उनको रिस्पेक्ट है और वो जहाँ है आज, आई फील बबीता जी। तो आपको लगता है आपके लिए नहीं किया होगा? हम तीनों में मुझे लगता है कि बबीता जी को, आई थिंक। बबीता जी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है किसी को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे एक अलग टैलेंट सबका निकल के आ रहा है और इस शो के अंदर हर कोई एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। जो भी जनता का आदेश होगा सिर माथे होगा और आपका। अंजलि, आपको क्या लगता है? मैम, जनता कुछ भी कर सकती है, सो उनके हाथ में है। लास्ट टाइम आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे अपने व्यूअर्स से। यस, आई होप जो भी उनका डिसीजन हो वो ठीक हो। तो डिसीजन जो जनता का है वो ये है कि आप तीनों में से सबसे ज्यादा वोट्स अंजलि को मिले हैं। कंग्रेचुलेशंस अंजलि। थैंक यू सो मच। आपको जजमेंटल जनता ने सेव कर लिया है। आप सेफ कैदीज के साथ जाके बैठ सकती हैं। थैंक यू। इसका मतलब बबीता जी और सारा, आप दोनों अभी भी अनसेफ हैं। सोचिए कि जजमेंटल जनता ने इन्हें क्यों बचाया और आपको क्यों नहीं। आई विल बी बैक। 11 मिलियन। ठीक है। लव यू अंजलियन। आई लव यू अ लॉट। देख, तीन हफ्ते हम तीन जनता के साथ। एक दो तीन। एक्चुअली ओह यार, दैट्स ट्रू। होली शिट। अगर आज कुछ होता है ऐसे कि मेरे को जाना पड़े तो मैं निकल लेंगे। कुछ भी बोल रहे हैं, अगर ऐसे होता है आज कि मुझे निकलना पड़े तो आई लीव। नो, दैट वोंट हैपन। That will happen. Anything can happen. Pyar aur session. You didn't hear what Kangana ma'am said earlier. She said ye bhi achhe khiladi bhi do. Sirf best. Three baje. Tu best hai. Last 3 baje. You are best. Unless. Hello Nisha. Last 3 mein secret. Abhi to aur bottom narrow. Ye bachi nahi. Sorted. Bhaad mein koi farak nahi padta kabhi. बबीता जी और सारा, आप अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए प्लीज। थैंक यू। अंजलि, आपकी वोटिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। जो भी आपके लिए वोट्स आते हैं उसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुई है और आप वन ऑफ द मोस्ट वोटेड कॉन्टेस्टेंट हैं इस टाइम पे। थैंक यू। तो
तो आपको क्या लगता है कि आपने क्या किया इस हफ्ते में जो इन्होंने नहीं किया? मेरे को जहाँ तक लग रहा था जो अभी लास्ट वीक्स थे मैं उसमें थोड़ी सी ऑफ थी अपनी चीज़ों को लेकर, बट अभी जो वीक चल रहा है इसमें मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपना 1000% दिया है टास्क में, सबसे बात करने में, अपनी इन्वॉल्वमेंट सब में, हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया है। सो आई थिंक कि उनको ये चीज़ अच्छी लगी होगी और मैं और अच्छा देने की कोशिश करूँगी। और अब उन पे आते हैं जिन्होंने इमृतियाँ खाई हैं, अब देखते हैं उनकी किस्मत में क्या लिखा है। शायशा, पूनम और पायल, आप तीनों में वैसे इमृति की तरह सिमिलैरिटीज भी हैं। आप सभी कैदी इमृति की तरह गोल गोल घुमा घुमा के बातें करते हैं। तो मैं आज आपको कर रही हूँ गोल गोल बातें करने वाले कैदियों के हवाले। गार्ड्स, इनके हवाले। आपकी किस्मत आपके को कैदीज डिसाइड करेंगे। और इस बार मुनव्वरन कंपनी ध्यान रखा जाए, कोई डिस्कशन, कोई गुफ्तगू, कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई विस्परिंग नहीं चलेगी। जैसे ही आपको ये चिट दिया जाएगा, इन तीनों में से आप जिसे भी सेव करना चाहते हैं उसका नाम इस चिट पे लिखिए और गार्ड के पास सबमिट करवाइए। गार्ड, एक तसला लाओ और एक लाइटर लेके आओ। लाइटर मैं ही दे देती हूँ। अच्छा चलो रहने दो। गार्ड, इन वोट्स को गिना जाए। अली आप आइए, थोड़ी मदद कीजिए। और तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं, वोट से गिन दीजिए। अली बोलते जाइए। पूनम, पूनम, पूनम टू, साइशा वन। शिवम ये तो सुला देगा, उठो तुम थोड़ा सा करो कुछ, अपना चाम यूज करो, तौलिया तुलिया खोलो वहाँ पे और डांस करो थोड़ा सा। अच्छा उधर भी कैमरे में कोई भी है तो मैं अभी मैंने ले ये उठा, उधर भी कैमरे हैं। हाँ चल जल्दी पढ़ के बता। अली अली तुम बैठ जाओ यार, ठीक है सो जाएंगे यहाँ सब। अरे वाह वाह क्या बात है साइशा जी, बूम बाम क्या बात है। ये क्या है, पायल की तो है, पूनम साइशा जी के हैं बहुत सारे, एक दो तीन चार पांच वोट पायल जी का, एक वोट पूनम जी के, दो वोट बूम बम, आग लगा दो। थैंक यू गाइस। साइशा अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे लव्ड कैदी बाय द कैदीज ये कौन है? मुझे वैसे कुछ आइडिया है कि आपको किस किस ने वोट दिया होगा, पर आप खुद बताना चाहेंगे कि आपको किस किस ने वोट दिया होगा। वहाँ से तो ऑब्वियसली आई थिंक अली और निशा ने दिया होगा, यहाँ से सारा, शिवम नहीं, आई थिंक केवी ने दिया। मुझे लगा मुन्ना देगा। नहीं, मुन्ना मुन्ना हर टाइम गेम खेलता रहता है। नहीं, पूनम पहले टीम। और मैं समझ सकती हूँ किसी ने क्यों लिखा होगा, मेरी कोई बैर नहीं है, ये गेम है, मैं कुछ यहाँ पे पर्सनली नहीं लेती हूँ। मुन्ना का काम है चूना लगा देना, इसलिए तो शायद हो गया ना। आपको चूना लगाने वाले पसंद है? नहीं, मुझे शातिर, आई लाइक गाइज हू आर इंटेलिजेंट, जो आप ही को चूना लगा के निकल जाए। क्या बताऊं। ये अधिकतर लड़कियों का ट्रेड होता है। तो जो शायशा का अंदाजा था क्या वो सही था? यस। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए जिस जिसने भी। यस साइशा, सो यू आर अनडाउटेडली द मोस्ट लव्ड कंटेस्टेंट, लेकिन ध्यान रहे जिसे yes. सब प्यार करते हैं वो अपने आप से कम ही प्यार करता है, क्योंकि वो हमेशा सबको खुश करने में लगे रहते हैं। तो यू प्लीज गो हैड एंड फोकस ऑन योर गेम मोर देन फ्रेंडशिप्स। यस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट गर्ल्स। कॉन्ग्रेचुलेशन साइशा, आपको आपके कैदियों ने सेव कर दिया। थैंक यू। एंड माई डियर सिस्टर्स, आप अभी भी अनसेफ हैं, आप अपनी जगहों पे बैठ जाइए। थैंक यू। आप शायशा के सेफ होने की खुशी मनाइए, मैं अभी आती हूँ। इसको कैसे वोट आ रहे हैं इतने? She has a lot of followers. उसके बहुत followers हैं। बाकी दुनिया तो देख रही है। She is playing the game. क्या गेम? Right. क्या गेम? बता। तुझे ऐसे लगता है पर वो बहुत अच्छा खेल रही है।
मैं क्यों उसके पीछे थी कि वो हमारे साइड में आए, क्योंकि वो गेम बराबर समझ गई है. She's very sharp. She is not getting to shine because of the other two. Underdog है वो. हाँ, ये चीज मुन्नवर को भी पता है, इसीलिए ये. और ये भी पता चल गया ना कि कौन टीम के साथ कब खेलता है, कौन टीम के साथ नहीं खेल रहा है. तेरा तो मुझे पता ही है, इसका भी मुझे ऑलमोस्ट 98% पता ही था. मुन्ना हमेशा गेम ही खेलेगा, उसमें कुछ शक नहीं है. So I was not surprised. कुछ ना, वो गेम खेलने ही आए हैं. वो गेम जिस तरह से मुझे एंजी का भी पता था, वो पूनम को डाली, क्योंकि दे आर वेरी क्लोज. वेरी क्लोज. या दैट्स ट्रू. बजर पे. थैंक यू. सी आई डोंट नो व्हाट आई विल डू टुमॉरो. आई नो. आई केप्ट दैट इन माइंड. हमने पूनम का नाम लिया, कॉन्ग्रेचुलेट किया ना मैंने. मैं तुमको तहसीन जो बोलते हो बताती हूँ, मैंने बुरा नहीं माना, वही बड़ी बात है. तो आप लोगों को कुछ गॉसिप दूं मैं, लॉकअप का गॉसिप? हाँ प्लीज. बाहर एक गॉसिप बहुत हॉट हो चुकी है और एक हैशटैग चल रहा है. उस हैशटैग का नाम है मुंजली. ओह माय गॉड. क्या हो सकता है इस हैशटैग का फुल फॉर्म, मतलब? मुनावर अंजलि. मुझे भी ऐसा ही लगा था. शाशा? नहीं, मुझे तो पता ही लगा था ये. मैंने तो जोक्स भी मारे उस टॉपिक पे काफी बार, लेकिन मुझे पता है कि ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं. इनकी बॉन्डिंग दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं है, और मुझे इनकी दोस्ती में इंस्पिरेशन भी मिलती है काफी, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ खड़े भी रहते हैं. तो यू रियली थिंक दे आर जस्ट गुड फ्रेंड्स? आई होप दे आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, वरना वो लल्लू और राम वाला मुझ पे ही पूरा फेंक दिया होता. मुझे जानना है, क्योंकि मैं एक्चुअली सिर्फ एक घंटे का एपिसोड देख पाती हूँ रोज. तो जो क्या अंडर करंट है, क्या केमिस्ट्री है, क्या कुछ, तो आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ सरफेस पे है, दोस्ती है, या कुछ और इसके मायने हैं? मुझसे पूछे. हाँ, मुझसे तो नहीं पूछेंगे. दोस्ती है. आपसे पूछना चाहती हूँ. नहीं नहीं, आपसे आपसे नहीं पूछ रही मैं. मैं शायद पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि जो इंसान आउट ऑफ द सिचुएशन होता है ना, उनके यूजुअली उनमें ज्यादा क्लैरिटी होती है देखने की कि क्या हो रहा है. जो इंसान सिचुएशन में है, दे वो तो एक्सपीरियंस से उनके वो कलर टिंटेड ग्लासेस हो जाते हैं ना, दे कांट टेल. तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ. नहीं तो जब भी मुनावर रहता है वहाँ अंजलि रहती है, जब भी अंजलि रहती है वहाँ मुनावर रहता है. तो ये मुनांजलि जो है मुंजलि, तो, हाँ वो वैलिड है काफी हद तक. जब मुन्ना की तबीयत खराब थी तो मतलब मैं झगड़ रही थी अंजलि से कि नहीं, झगड़ नहीं रही थी बट मतलब ऑलमोस्ट ऐसे चल रहा था कि मैं दवाई देने जा रही हूँ. उसके पहले तो अंजलि ने दवाई दी रखी थी. अरे तुम इसको मार मत देना, दो दो बार दवाई. ओवरडोज मत कर देना तुम इसकी दवाइयों की. मेरे को दो टुकड़े करके स्टोरेज यूनिट में रख के आएंगे, बोले ये काम नहीं कर रहा है. हाँ. तो आई थिंक मैं सीरियसली बोलती हूँ कि मुझे पता है कि दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं. मैं अंजलि के साथ भी अच्छी फ्रेंडशिप रखती हूँ इस घर में. मुनावर का तो आपको पता ही है. तो मुझे पता है कि ये सिर्फ फ्रेंडशिप है, और ऐसे ये जो बन जाता है ना कि लड़का लड़की या तो भाई बहन हो या तो कपल हो, ये मिट जाना चाहिए, क्योंकि एक लड़का और लड़की अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, एंड आई थिंक दे आर एन एग्जांपल ऑफ दैट. नहीं साशा, आपने तो इनको भाई बहन से लेके दोस्त से लेके पता नहीं क्या क्या बना दिया. बट मैंने कहा अगर इनमें कुछ पनप भी रहा होगा, कुछ हो भी रहा होगा, तो आपने इनको बहन भाई से लेके सच्चे दोस्त से लेके सब कुछ इनका. हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है. आप लोग यू मुंजली फील फ्री, क्योंकि हमारे शो में क्योंकि हम बड़े एक्साइटेड है अगर हैशटैग में कुछ ऑथेंटिसिटी है तो. मुझे लगता है लोगों को बॉन्ड अच्छा लगता होगा. लाइक मैं इसको बोलता हूँ तेरे दांत मग्गे से तोड़ दूंगा. तो मुझे लगता है हम लोग की बॉन्ड बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी इतनी अच्छी दोस्ती किसी से भी यहाँ पे हो जाएगी. और जब मैं बीमार था तो ये बहुत ख्याल रखती थी, और वो एकदम जबरदस्ती मार रही थी.
साइशा क्या इसका होते रहता है ये वो, तो मैं भी मजे लेता हूँ ये वो, बट मैं हम दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती है और हम दोनों ने बहुत ही क्लियर रखने की भी जरूरत नहीं पड़ी शायद वो कोई कन्वर्सेशन की, बट हाँ दोस्ती है, अच्छी दोस्ती है और मेरी दोस्ती है, भरोसा नहीं करना चाहिए। और अंजलि आपका क्या कहना है? मैम यहाँ पे सबको लगता है कि हम शायद गेमिंग प्लॉटिंग सब करते हैं बैठ के, तो हमारी कॉन्वर्सेशन में गेम के बारे में बात ही नहीं होती, हम जस्ट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं। हाँ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं और पता नहीं ऑडियंस को क्यों लग रहा है बट सब कुछ नॉर्मल। नहीं नहीं नहीं, फील फ्री, जो भी आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं यू फील, गो विद द फ्लो, सिर्फ दोस्ती है मैम। अच्छा तो काजू कतली, जिन जिन कैदियों ने काजू कतली खाई है उनको पता है कि काजू कतली डायमंड शेप में होती है, और डायमंड कितना प्रेशियस होता है, बहुमूल्य होता है, नायाब होता है, तो वैसे ही हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सीक्रेट्स हैं जो कि बहुमूल्य हैं, या तो हम किसी को बताते हैं, शेयर करते हैं, और जिनको नहीं शेयर करते वो और भी कीमती होते हैं। कल जिन जिन लोगों ने काजू कतली खाई थी वो अपने मार्क्स पे जाके खड़े हो जाइए। आप तीनों को एक एक करके बेनकाब जोन में जाना है, वहां आपके सीक्रेट से रिलेटेड एक वर्ड फ्लैश होगा, उसे देखकर वापस यहीं अपने बजर के पीछे आके खड़े हो जाना है। सबसे पहले मुनव्वर, नेक्स्ट निशा जी, ओके नेक्स्ट केवी, वेट, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको ये मौका नहीं मिलेगा। आपने अपने दो सीक्रेट्स जो है वो यूं ही फालतू में रिवील कर दिए हैं। अब आप कहेंगे कि आपने और भी दिए थे, लेकिन आपको ये साफ साफ कहा गया था कि आपको सिर्फ दो मौके मिलेंगे। लेकिन हम लोगों को ऑप्शन दिए गए थे कि आप चार पांच सीक्रेट्स दे दो, तो ऑप्शन दिए थे चार पांच सीक्रेट्स देने के, लेकिन मौके सिर्फ दो दिए जाने थे। इसका मतलब सिर्फ दो ही सीक्रेट उनमें से आउट होने थे जो आपने ऑलरेडी कर दिए हैं। दो मौकों का मतलब क्या हुआ? दो मौकों का मतलब हुआ दो सीक्रेट्स उनमें से जो हम चूज करते और हम आउट करते। इसलिए मेरी सारी वार्निंग्स को सीरियसली लीजिए, अपना शो खुद स्क्रिप्ट करने की कोशिश मत करिए। जब आपने एक सीक्रेट लीक किया था तब भी आपको वार्निंग दी गई थी, लेकिन आप तब भी नहीं माने, तो अब जो बजर दबाने की ऑप्शन दी जाएगी वो सिर्फ मुनव्वर और निशा के लिए है, और निशा आप भी अपने एक सीक्रेट खुद ही बड़बोलेपन में आउट कर चुके हैं, तो ये आपका पहला और आखिरी मौका है जी। तो जब मैं काउंटडाउन दूंगी तो सिर्फ आप दोनों बजर दबाएंगे, और जो पहले बजर दबाएगा उसको ये मौका दिया जाएगा। ओके लेट्स स्टार्ट, 5 4 3 2 1 निशा, निशा कॉन्ट्रैक्ट खोलिए, प्लीज टेल योर सीक्रेट। सो
2012 में मेरी शादी हुई थी मेरे एक्स हस्बैंड के साथ, और 2014 में आई मिस कैरीड अ बेबी, जिसके बारे में मैंने बताया था कि मेरा मिस कैरेज हुआ था. तभी बेबी 5 months का था, और आई थिंक कई लोग जानते हैं ऑलरेडी कि मैं एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में थी, इमोशनली एंड फिजिकली अब्यूजिव रिलेशनशिप में. और जब मेरा बेबी मैंने मिस कैरी किया एट द एज ऑफ 5 months, वो मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकर था. एज अ वुमन देर वॉज अ लॉट गोइंग ऑन इन माई बॉडी, ऑन माई माइंड. और उस समय भी बहुत सारे इंसिडेंट्स ऑफ अब्यूज हुए थे मेरी लाइफ में, और कोई नहीं था जिसके साथ मैं ये शेयर कर पा सकती थी, बिकॉज बीइंग अ पब्लिक फिगर, मैं और मेरे एक्स हस्बैंड, इट इज़ नॉट वेरी इजी टू कम आउट इन द ओपन एंड से कि ऐसा हुआ है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो अपने माँ बाप के बारे में, सोसाइटी के बारे में, और मुझे सपोर्ट की बहुत कमी थी. एंड एट दैट पॉइंट आई थॉट दैट आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, क्योंकि बेबी को मिस कैरी करना और इमोशनली एंड फिजिकली अब्यूजिव रिलेशनशिप में होना बहुत आसान नहीं था. और एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहाँ बहुत बड़ा फिजिकल अब्यूज का मोमेंट था इन 2015, जब मेरे कज़िन की संगीत का फंक्शन था. उसके बाद एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसने मेरा दिल बहुत तोड़ दिया था. एंड उसके बाद भी मैंने चाहा कि मुझे थेरेपी मिले, या मैं डॉक्टर के पास जाऊं, या मैं किसी से बात कर सकूं, दोस्तों से बात करें, तो देर इज़ ऑलवेज अ फियर ऑफ बीइंग जज्ड. एंड तो उस दौरान हम अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे, और जिस नए घर में हम शिफ्ट अभी हुए थे वहाँ पर एक दोस्त था जो बहुत ही पुराना दोस्त था. एंड मैंने सोचा कि बहुत सालों से हम टच में नहीं थे, कि मैं उनके साथ, उनसे कन्फाइड कर सकती हूँ कि क्या क्या मेरे साथ हुआ. सो वी स्टार्टेड, एक्सेप्ट फॉर द अब्यूज पार्ट, मैंने उनके साथ बहुत कुछ शेयर किया था. एंड वी गॉट टॉकिंग, जब भी मैं उनसे मिलती थी, मेरे एक्स हस्बैंड को पता होता था कि मैं उनसे मिल रही हूँ. बट आई थिंक आई गॉट क्लोज टू हिम, आई रियली गॉट अट्रैक्टेड टू हिम, बिकॉज आई थिंक देर वॉज अ लैक ऑफ अ लॉट ऑफ सपोर्ट. और एक नेचुरल सी बात होती है दैट यू डू गेट अट्रैक्टेड टू समबडी लाइक दैट, बिकॉज आई फाउंड अ लॉट ऑफ इमोशनल सपोर्ट देयर. एंड देर वॉज वन मोमेंट व्हेन आई किस्ड दैट पर्सन. एंड जब मैंने ऐसा किया तो मैंने अपने एक्स हस्बैंड को आकर बोला कि ऐसा हुआ है, उसी दिन आकर बोला. और मैंने ये भी कहा कि आपको पता है कि वी आर नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ आर रिलेशनशिप, और उसके पहले भी हमारे अलग होने की बातें होती रहती थी. और मैंने कहा अब क्योंकि ये इंसिडेंट हो चुका है, मैं श्योर हूँ कि आई डोंट वॉन्ट टू बी इन दिस रिलेशनशिप एंड वी शुड वॉक आर वेज. सो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट मोमेंट था फॉर मी टू कम एंड से इट, बट उस चीज़ को भी उस समय पॉजिटिवली नहीं लिया गया. एंड बट दैट वॉज अ बिग सीक्रेट कि यू नो आई वॉज अट्रैक्टेड टू अनदर मैन वाइल आई वॉज स्टिल मैरिड इन 2015. तो बेसिकली दिस वॉज योर टर्निंग पॉइंट, आप श्योर हो गई कि आपके लिए ये मैरिज जो है वो खत्म हो चुकी है और यू वॉन्ट टू मूव ऑन. जी, क्योंकि एक होते हैं थॉट्स, यू नो, जहाँ पर आप सोचते रहते हो कि आप कर पाओगे या नहीं, पर जब आप वो एक्शन ले लेते हो तो आप श्योर हो जाते हो कि कुछ तो अंदर से स्विच ऑफ हो गया होगा जिसकी वजह से आप ये कदम उठा लेते हो. तो मुझे लगा था कि आई शुड कम क्लीन एंड आई बिफोर आई यू नो टेक मेनी स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन आई शुड जस्ट come forth and say that you know it's not working. Thank you. I think to be honest मैं मैरिड नहीं हूँ और ना ही मैरिज पे कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने इतने किरदार निभाए हैं और मुझे आइडिया है, ये मंजर कई औरतों और आदमियों की ज़िंदगी में आता है, और कई बार तो ज़रूरी भी नहीं होता है कि मैरिज में कोई प्रॉब्लम भी हो, तब भी आ सकता है. ये बहुत ही ह्यूमन है और बहुत ही नेचुरल है इस तरह की टेम्पटेशंस होना लाइफ में. और आई पर्सनली फील कि ये सभी की ही ज़िंदगी में ऐसा आता है, चाहे मैरिज ही क्यों ना हो, रिलेशनशिप में ही आप क्यों ना हो, कि आपको कहीं और अट्रैक्शन हो जाए, या फिर आप पे डिपेंड करता है, अगर यू हैव समथिंग टू प्रोटेक्ट, समथिंग टू सेव, तो आप इवैल्यूएट करते हैं, या तो आप ऑलरेडी इतने गलत सिचुएशन में हैं तो आपको लगता है कि वी कैन गिव इन टू द टेम्पटेशन. सो इट्स वेरी ह्यूमन निशा, एंड आई एम ग्लैड यू कुड शेयर इट, एंड सो मेनी वुमेन विल आइडेंटिफाई विद यू.
So many men will identify with you. Men also go through abuse in a relationship. और उस marriage को like a dead body सारी उम्र drag करते रहते हैं. क्यों? क्योंकि वो समाज के लिए करते हैं. जी. लेकिन जो आपने महसूस किया, जो आपने feel किया, वो मैं कहूँगी कि हर एक couple या हर एक unmarried couple भी face करते हैं. जी. But giving in to the temptation depends on आपकी situation और आपके नजरिए पे. जी, please take your say. I just wanna say one more thing. उसके बाद भी मैंने अपने relationship को एक और try दिया क्योंकि मुझे promise किया गया था कि अब आगे ऐसा नहीं होगा. और उस moment में मैंने वो relationship भी give up कर दिया था. जो भी मेरी attraction थी, मैंने उसको give up कर दी थी और मैं एक बार फिर you know invested हो गई थी. But वो promises नहीं keep up की गई. जिसकी वजह से finally I took a stand now you know last year and I said this is enough because अब तो हमारा बेटा भी था तब हमारा बच्चा भी नहीं था. I hope Nisha you find love again and I hope you find companionship and आपने अपने आप को save कर लिया है. Please take your seat. Thank you so much. Munawar and Karan, आप लोग अभी भी unsafe हैं. आप अपनी जगह लीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ. I'm glad. Yeah, I'm very glad. Yeah. You're safe. वो मौका आएगा तब सोचा भी निकल गया ना, बस खत्म. Each day at a time, each week at a time. Social actor mom मैंने देखा था जाए. I'm just so glad कि मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमन से कनेक्ट हुआ हूँ. मुंजली. नहीं नहीं रुको, अभी वो मुंजली का मुनाइवर में करके रहूंगी, मुनाइशा में करके रहूंगी, मुनाइशा में करके रहूंगी. मुंजली. कुछ फालतू ये सब हम डांस वांस नहीं करते. तू मुझे जस्टिफाई मत कर. मुनाइशा इज सो मच बेटर. मुनाइशा. मुंजली कहाँ? मुंजली. Munjali is not cool. Hashtag Munaisha is the lit thing. देखो भाई मेरी मुन्ने की थोबड़ी देखो कैसी होगी बेचारे की. क्या है, हो जाएगा, सब सॉर्ट हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. इसमें लग रहा है मेरे को लॉकआउट होने का टेंशन. उसके लिए नहीं, मुझे पता है तेरा सीक्रेट के हिसाब से हो रहा. नहीं. हाँ मुंजली को तो पता होगा ही ना. साइशा को थोड़ी ना पता रहता है, मुंजली को ही तो पता रहता है सब. वो उदास क्यों है, वो हंसता क्यों है, वो रोता क्यों है, वो हकता क्यों है, सब तो. भगवान सारा. वो क्या हो गया इसको. This was in 2015 when I miscarried. Now I can talk about it right a little bit. And this his thing was now. And उसने अपने मुंह से बोला 7-8 months. Not even, he didn't even come and say it. He will anyways find excuses. Uh-huh. When he has to be an asshole, he's an asshole. Correct. वो convenient के हिसाब से तुम फिर reasons ढूंढते जाओगे. खुद की गलती तो कभी accept करना मतलब, जो इंसान physically और mentally abuse करता है वो खुद की गलती कभी accept नहीं करेगा. Correct. True. ये क्यों करते हैं ऐसे लड़के? What is their problem, man? Why can't मुझे सच में लगा उसके अंदर कोई आ जाता है क्या, क्योंकि ऐसे अचानक से कोई कैसे behave करता है. And not like this was an everyday incident, you know. But then life goes on and you know you get busy and then when you're famous and when you're doing something, well, you pay like less attention to these kind of things. But it was like crazy. So anyway, insane. Every woman or anyone who's in an abusive relationship needs to know that you hit one time. It's finished. Correct. Yes. छह के छह unsafe कैदीज साइड में आके खड़े हो जाइए. सारा, बबीता, पायल, करण, पूनम, मुनव्वर, आप सभी अनसेफ हैं. अंजलि, आपको कुछ याद है मैंने आपको कहा था आपको सुपर पावर दी जाएगी? हाँ जी. तो अगर मैं आपको वो सुपर पावर देती हूँ और आपको कहती हूँ कि आप इनमें से किसी एक को बचा सकती हैं, सेफ कर सकती हैं, लेकिन इतने जल्दी फैसला मत लीजिए. आप छह के छह एक एक करके अंजलि को बताइए कि आपको और सिर्फ आपको अंजलि को क्यों बचाना चाहिए. करण स्टार्ट.
ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, फिर इस बात का ये कहूंगा कि मैं नहीं कह सकता. यू मेक योर चॉइस. आई एम सॉरी, आई कैन नॉट रिक्वेस्ट, आई कैन नॉट, इट्स हर कॉल, आई कैन नॉट से. बबीता जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है मैं इस घर में रहने लायक हूं या मेरा रहना जरूरी है, तो ये आपकी चॉइस है, डिसीजन ले, आपका हक है. और जो क्वीन ने आपको हक दिया है, आप अपने मन से जो भी डिसीजन लेंगे हमें एक्सेप्ट होगा. आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू सिंस आपके दोनों बेस्ट फ्रेंड्स अभी यहाँ पे हैं ऑलरेडी, सो यू जस्ट टेक योर कॉल. मुनव्वर को बचा. यस, ही इज गुड फॉर द गेम. एंड पूनम, यू आर हियर टू प्ले व्हाट सपोर्टिंग कैरेक्टर टू मुनव्वर. आपने अपनी रिक्वेस्ट में भी उसी के लिए मांगा, कम से कम अपनी रिक्वेस्ट तो अपने लिए मांग लो. मेक योर चॉइस, अपनी चॉइस ले. मुनव्वर, सेम वही ऐसी दोस्ती है कि मैं इसको रिक्वेस्ट नहीं धमकी दे सकता हूँ कि नाम मेरा ही आना चाहिए. लाइक देख, तुझे जो लगता है ठीक, ये गेम में रहना चाहिए, कॉम्पिटिशन वॉम्पिटिशन पूरा सोच समझ के डिसीजन ले. दोस्त को बचाना बहुत ईजी है, गेम खेलना मुश्किल है, तो तुझे जो करना हो कर, ठीक है. अंजलि जी, आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट आप अपना गेम खेलिए, और अगर आपको लगता है आपके गेम में मुझे सेव करना सही है तो इट्स ग्रेट, इफ मुझे सेव करना नहीं सही लगता आई विल रिस्पेक्ट योर डिसीजन. तो अंजलि, अब इन सब की, किसी की रिक्वेस्ट, किसी की धमकियां, किसी की आपको ये कहा गया है कि करना है तो करो नहीं तो भाड़ में जाओ, और कहीं ने तो ये कहा है कि हमें कुछ बोलना ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है, आप इन सब को नजर में रखते हुए आप किसको बचाना चाहेंगी? पूनम पांडे. यू आर नॉट दैट्स अ गुड गेम. क्यों मैम? पूनम बहुत कुछ कर सकती है और उसने किया भी है, और वो सोचती है कि शायद कि वो, मतलब यहाँ पे जो सबको लगता है कि अंजलि और पूनम दोनों केवी और मुनव्वर के पीछे पीछे रहकर यहाँ पे गेम खेलती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ मतलब वर्ड एवर सबके मुंह पे आ जाता है वो कहीं ना कहीं से घूम के. मैम जब एक टीम जीतती है ना उसमें टीम वर्क होता है, अगर टीम साथ नहीं देगी तो वो टीम जीतेगी भी नहीं. यहाँ पे इंडिविजुअल सारे के सारे 6-6 या 5-5 सब खेलते हैं तो ही जीतते हैं, तो यहाँ पे हर किसी का परसेंटेज रहती है सबकी, और बाकी जो भी सबको लगता है आई डोंट केयर कि मैं किसी को जवाब भी दूँ इस चीज का. सो पूनम. वेरी गुड. तो मुनव्वर ने जो कहा आपने मान लिया, दोस्ती ना निभा के गेम खेल ली. यस मैम. पूनम, आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम यंग अंजलि. यस. आप यहाँ पे, हमने पूनम पांडे भेजा था तो निरूपा राय बन के आई हैं. एपिटेमी ऑफ सेल्फलेस इंडियन गॉडेस, प्लीज इस रूप से बाहर निकलिए. यस. और ये जो आपको लत लगी हुई है सेल्फ सेक्रीफाइस की, वो मत करिए हर कदम पे. आप जो है अपने आप को ही सर्वोपरि रख के, अपने आप को विजेता समझ के ही गेम खेलिए. आप ऑलरेडी, जब आपने ये कहा कि मुनव्वर इज प्लेइंग वेल, गो फॉर हिम, तो मुझे सुन के इतना अजीब लगा कि कोई इंसान कौन सी फ्रेम ऑफ माइंड पे एक बैटल फील्ड से ऐसा कह सकता है. ये अपने आप में ही आपके शायद लो सेल्फ एस्टीम, मतलब बहुत ही बड़े वर्ड्स में यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इससे और कुछ भी जाहिर हो नहीं रहा है. टू बी ऑनेस्ट, कोई इंसान क्यों ऐसा कहेगा जब मौका आपके पास भी है, विजेता आप भी हो सकती हैं, और आप भी किसी तरह से मुनव्वर से कम नहीं है. लेकिन आपको क्यों ये बिलीफ हो गया है कि एवरीथिंग ही डिजर्व्स, आप क्यों ये समझने लगी है कि जीतना उसी का हक है, वही विजेता है, और आप सब यहाँ पे उसको या तो सपोर्ट करने के लिए हैं, वो लीड कैरेक्टर है, आप उसके या तो साइड किक्स हैं या तो आप बैकग्राउंड में हैं, और अब जब आपको अपने लिए रिक्वेस्ट करना था तब भी आपने कहा मुनव्वर को बचा लो क्योंकि यहाँ पे वही विनर है. दिस इज एब्सोल्युटली, आई डोंट नो व्हाट टू से, अपॉलिंग. आई एम सॉरी फॉर द लैक ऑफ द राइट वर्ड, क्योंकि आपके जैसी लड़की के से, यू नो, बिकॉज यू कम अक्रॉस एज वेरी मॉडर्न, वेरी ओपन माइंडेड, सेल्फ सफिशियंट, जैसा आप कहती हैं कि यू आर एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, यू आर रनिंग अ वेरी बिग ऐप, यू हैव सो मैनी फैसेट्स ऑफ यू, और आप जो आप अपने आप में, यू डेल्विंग इन सेल्फ पिटी टू अ पॉइंट वेयर इट्स नॉट इवन लाइकेबल, लेट मी टेल यू दैट
it is not likable. If you think bahut zyada sacrifice karke aap bahut zyada timid lagengi ya bahut zyada, ye nahi work kar raha hai. Poonam, you have to become your own person. Aur aapko, you have to be your own hero. यही लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं और यही ऐसे ही वो विजेता होगा जो भी विजेता होगा इस शो का दैट पर्सन इज गोइंग टू बी हिज और हर ओन हीरो अंडरस्टैंड तो एनीवे अंजलि ने अब आपको सेव कर लिया है पूनम आप जाइए और अपनी जगह ले लीजिए और जो मौका आपको मिला है उसका फायदा उठाइएगा सुन ले यस मैम रोई ना मरूंगी तो बाकी के अनसेफ कैदियों के पास चलते हैं पायल जो तुमने बदतमीजी की है वो तुमने पहली बार नहीं की है सब लोग तुमसे परेशान हैं और खासकर मैं मुझे लगता है कि मेरी टॉलरेंस लेवल बहुत ज्यादा है क्योंकि मैं जिंदगी में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को मिली हूं लाइफ में और मैंने ऐसी ऐसी सिचुएशन में रही हूं और इतना कुछ सहा है तो मुझे लगता है कि मेरी टॉलरेंस लेवल बहुत ज्यादा है लेकिन आपने मेरी सब्र के भी बांध को तोड़ दिया और आप बिल्कुल बदतमीज अनोइंग और इरिटेटिंग ही नहीं बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट होती जा रही है जिसको शो में देखना मतलब ये तो भूल ही जाइए एंटरटेनमेंट तो भूल ही जाइए लेकिन अनकंफर्टेबल हो गया है अब आपको देखना हर हद चाहे अटेंशन सीकिंग की हो चाहे बदतमीजियों की हो करण के साथ आपने हमारे जो जेलर है उनके साथ में आपने बदतमीजियां की अपने को कैदीज के साथ तो चलिए वो तो आपका लड़ाई झगड़े चले रहते हैं लेकिन उनमें से कुछ कुछ ज्यादा ही इलेजिटिमेट थे और आपने मेरे साथ बदतमीजी की तो पायल मेरा एक्चुअली मेरा डिसीजन तो ये था कि आज आपको ही लॉकअप से लॉकआउट कर दिया जाए लेकिन पिछले एक दो हफ्तों में आपका गेम सुधरा है एंड चाहे आप प्रोफेशनल हो चाहे नहीं लेकिन मैं बहुत ही प्रोफेशनल हूं और मैं अपनी लाइक और डिसलाइक को इस फैसले में ना लाते हुए आपको सिर्फ सजा सुनाऊंगी आपकी बदतमीजियों की लेकिन आपको फिर भी लॉकअप में रहने का मौका दिया जा रहा है थैंक यू तो आपकी सजा यह है कि आज रात से आप काला पानी यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहेंगी अंटिल फर्दर नोटिस ओके थैंक यू फॉर सेविंग मी एंड आई होप आई कैन चेंज योर ओपिनियन यू शुड चेंज योर सेल्फ माई ओपिनियन विल चेंज ऑन इट्स ओन आई विल ट्राई टू डू दैट Go take your seat now. Thank you. सारा जी आप जितनी बातें स्मोकिंग जोन में करती हैं उतनी अगर स्मोकिंग जोन से बाहर करें तो शायद आपको यहां आने की नौबत ही नहीं पड़ती सारा आप में भी बहुत पोटेंशियल है लेकिन आप बहुत ज्यादा संभल संभल के वो एक शायरी है ना कि इतना डरते हैं तो घर से कुछ लोग हैं जो कदम कदम पर बताना कुछ लोग रुक रुक कर संभलते क्यों हैं हाँ। जाने के लोग कुछ लोग क्यों रुक रुक कर संभलते क्यों हैं हाँ। अरे अगर इतना ही डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं राइट तो सारा मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि इतना संभल संभल के चलना है तो फिर घर से निकलना ही क्यों है ना तो आप या तो रोते हुए दिखती हैं या रोटी बनाते हुए दिखती हैं तो आई होप कि आप और भी चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज करें इन्वेस्ट करें एंड आई पर्सनली फील दैट यू मे नॉट बी डूइंग ग्रेट बट यू डूइंग ओके एंड अगर आपने अपनी गेम पे ध्यान दिया और अपनी गेम को सुधारा तो आप इस जगह पे टिक सकती हैं नहीं तो अभी मुश्किल लग रहा है शायद इस हफ्ते बच भी जाएं लेकिन अगले हफ्ते बचना मुश्किल होगा जी तो क्या लगता है सेफ होंगी आज के नहीं Yes. This game is very unpredictable. कुछ भी predict नहीं कर सकते. It's all आपके हाथ में सब कुछ. तो सारा आज इस हफ्ते आप safe हो गई हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जी कि अब competition बढ़ता जाएगा और अब यहाँ पे सिर्फ
ठीक ठाक लोग नहीं टिकेंगे जी। अभी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फायरी कंपेटिटिव और गो गेटर टाइप लोग टिकने वाले हैं। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू कंगना। थैंक यू। आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी अब तक लॉकअप में नहीं दिखी है सारा। आई होप इस मौके का फायदा उठाएंगी और आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी निकल के आएगी। मुनव्वर तुम धमका रहे हो अंजलि को। अरे मैं बोलता अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। मुनव्वर तुम इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो, इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि मैंने देखा यू डिडंट इवन रीच आउट फॉर द बजर। मतलब पहुंचे तो, लेकिन तुमने जान के उसको डिले किया। मैंने जो जो चीज मुझे 14 साल पीछे 15 साल पीछे जो लेकर गई ना, वो शायद मुझे उससे वो समझ नहीं आ रहा था जब मैंने वो चीज को वहां देखा कि जो चीज मैं भूलना चाहता हूँ या भूलने वाली चीज नहीं, नहीं, ऐसा तो छोड़ा मैं वो जोन में ऐसा था कुछ नहीं। अगर तुम प्रेशर में होते तो तुम उस बजर को दबाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव कम टू विन। मैंने दबाया भी, मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने दबाया भी, बट आई थिंक कि मैं मुझे दबाने का फील हुआ कि मैं और जल्दी दबा सकता था। तुमने जान के उसे लेट दबाया क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आए हुए हो, ठीक है। और मैं तुम्हें, टू बी ऑनेस्ट, मैं तुम्हें इस बात के लिए दोषी ठहराती भी नहीं हूँ क्योंकि जो आपके आसपास के लोग हैं, कहीं तो खुद को सपोर्टिंग कैरेक्टर बन के बैठे हुए हैं, कहीं जो है फालतू की लड़ाइयाँ झगड़े चिल्लम चिल्लियाँ कर रहे हैं। दे आर मतलब दे आर गोइंग आउट ऑफ देयर वे टू बी द मोस्ट हेटेड पीपल इन द जेल, यू अंडरस्टैंड। उनको आप पसंद ही ना करें, इस तरह के तो आपके कॉम्पिटिशन्स हैं, यू नो। तो मैं आपको इस बात के लिए नहीं कहती हूँ कि आप ओवर कॉन्फिडेंट बन गए, लेकिन ध्यान रखें ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, देर इज अ लॉन्ग वे टू गो, कि आपको लेट ना डूबे। बिल्कुल। और इसलिए अभी आप अभी हवा में उड़ रहे हो, आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल सेफ हैं। यू आर द मोस्ट वोटेड कंटेस्टेंट ऑल्सो, और इसके लिए यू डिडंट इवन रीच आउट फॉर द सीक्रेट बजर। लेकिन देखना, जस्ट वॉच आउट, क्योंकि मैंने कहा है ना आपको कि ये लॉकअप भी जिंदगी की तरह है, हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है, तो इस बात का ध्यान रखना। गो टेक योर सीट। थैंक यू। बबीता जी, बहन और करण, आप दोनों में से आज एक कोई लॉकअप से लॉकआउट होगा जी। तो आपके को कैदियों से पूछते हैं, पूनम क्या लगता है इन दोनों में से कौन लॉकआउट हो सकता है? बहुत अनप्रेडिक्टेबल है मैम ये, आई थिंक बबीता जी। उनमें जितना वो जितना प्ले कर सकती, जितना स्ट्रांगली, वो उतना स्ट्रांगली कर नहीं पा रहे अपने टीम में, मेरे को जितना दिखता है। बिकॉज जब वो हमारे साथ हमारी टीम में थे तो वो बहुत बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, और आई एम नॉट सीइंग दैट इन 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 द ऑरेंज टीम। तो अंजलि तुम्हें क्या लगता है? केवी, बिकॉज उनके पास रहने के लिए यहाँ पे अब कोई लाइफलाइन भी नहीं बची है। और जहाँ तक कि मैम यहाँ पर रिलेशनशिप्स भी मैटर करते हैं मैम, वो दोस्ती में ही मतलब उन्होंने जब बात आई थी सिड और शिवम की, उन्होंने सामने वाली टीम का सिड चूज किया था बिकॉज ऑफ टीम, कि हमें टीम में से शिवम को लॉकआउट नहीं करना चाहिए था, उन्होंने ये आके रीज़न दिया था। और जब आज बात आई थी पूनम को सेव करने की, उन्होंने साइशा का नाम लिखा। आई एम हैप्पी, उनकी अच्छी फ्रेंडशिप है, बट वो हमेशा टीम 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 करते हैं, तो टीम से पूनम थी वहाँ पर, और पूनम का और उनका बॉन्ड शायद मेरे से भी अच्छा है उनका दोनों का, तो उन्होंने साइशा का नाम लिखा। सो केवी, ये अंजलि ने आपके बारे में एक चीज नोटिस की जो कि मैंने भी की। जब मुनव्वर ने आपका नाम चार्जशीट पे लिखा तो आप फूट फूट के रोए थे, लेकिन आपने कल सिड को आउट ही कर दिया गेम से रूथलेसली एक टेम्पटेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन बहुत है। मुनव्वर आपका आपको क्या लगता है? क्या मैं पहले ये आंसर कर सकता हूँ? ये रही बात रिलेशनशिप्स की, एंड ऑनेस्टली यहाँ पर कोई रिलेशनशिप बनाने नहीं आया है। तो इसलिए मैंने साइशा का नाम लिया, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज, आई फील वेरी कनेक्टेड टू हर। आज मैंने दिल से सोचा, रही बात वो कल की, मैंने कल दिमाग से सोचा कि मेरी टीम जरूरी थी, तो कभी मैं दिमाग की सोचता हूँ, कभी दिल की सोचता हूँ। इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे
genuinely justification dene ki zarurat hai, but agar aapne ye baat aayi gayi hai, I really feel for her. I genuinely, I'm not only like her, I adore this woman. And I we want also, to, if there's one bond I want to build, I want to build with her. Agar main kuch lekar jaunga is lock up se, with fingers crossed, the title, but uske alawa agar ek bond lena chahunga, wo main Saisha ke saath lena chahunga. Munawar, aapko kya lagta hai? Kaun jayega in dono mein se? कैलकुलेशन बहुत कुछ कह रहे हैं मेरे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि गेम में इस वक्त केवी भाई रहने चाहिए. जो हिसाब से वो सबके साथ, उनका बॉन्ड भी है, नफरत भी है सबसे, थोड़ा कटाक्ष भी है, हर रिलेशन हर इंसान के साथ उनका है, और तो मुझे लगता है शायद गेम में उनको रहना चाहिए. नहीं, रहना चाहिए तो आप जज नहीं है, आपको नहीं, क्या लगता है आज कौन जाएगा? बबीता जी, बबीता जी. सारा, करण स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और काफ़ी हद तक वो बहुत स्ट्रांगली खेलते हैं, तो बबीता जी. मैम, मुझे भी लगता है कि बबीता जी ही जाएंगी आज, भले ही उनके पास जो भी जिस पावर से वो आई थी, बट वो मुझे लगता नहीं गेम में इतना दिखा पा रही हैं. और बाबा का योगदान इस शो के प्रति बहुत ज़्यादा लगता है मुझे, और उनका स्टेट ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग है, उनकी विल पावर बहुत अच्छी है, और मेरा कनेक्शन भी उनसे अच्छा, तो मैं चाहूँगा कि वो रहें, और मुझे लगता है कि बबीता जी घर जाएंगी आज. आई थिंक केवी गेम को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं, उनके जो चॉइसेस रहते हैं वो काफ़ी काफ़ी अनप्रडिक्टेबल रहते हैं, और वो चाहिए इस शो के लिए. रही बात बबीता जी की, आई थिंक बबीता जी एक एक्सेप्शनली गुड स्पोर्ट्स वुमन है. पहले जब वो दूसरे टीम में थी तभी उनका योगदान वॉज माइंड ब्लोइंग. समहाउ आई फील ऑरेंज टीम में आने के बाद वो या टीम की गलती है या उनकी गलती है मुझे पता नहीं, बट आई फील उस रीज़न से आई फील बबीता जी कुड बी गोइंग टूडे. निशा, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि केवी रहेंगे और बबीता जाएंगी, बिकॉज एज अ टीम प्लेयर इन द टास्क शी इज ग्रेट, बट आई थिंक एज एन इंडिविजुअल शी हैज प्रोबेबली नॉट फिगर्ड इट आउट येट, तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद बबीता जाएंगी और केवी रहेंगे. मुझे लगता है कि बबीता जी जाएंगी क्योंकि वो काफ़ी इनएक्टिव रही है इस पूरे वीक में, जो भी मैंने देखा है उनका एक चिल जोन रहा है, वो बहुत आराम करती रही है. और अली, तुमसे ज़्यादा आराम तो नहीं किया होगा. I will be better for sure. Payal, Babita ji, ये week में inactive थी, ये thought process से मैं agree नहीं करती हूँ, क्योंकि ये week में Munawar inactive थे, he was not well. But यहाँ पर narratives हैं जहाँ पर अगर KV का behavior या KV का relationship या KV का game plan लोगों को पसंद आ रहा है, then KV will stay. बबीता जी के साथ मैंने बहुत इंटरेक्शन करा है उनके लिए, मैंने उनको समझने का भी प्रयास किया है, बट समवेयर आई फील या तो वो अफ्रेड है समझने के लिए, या तो वो अगर समझती हैं तो नहीं समझना चाहती. तो मैं गेम पॉइंट ऑफ व्यू से आई फील शी विल गो, दो आई डोंट वांट हर टू गो. बबीता जी, आपने देखा कि आपकी टीम के प्लेयर्स भी जी ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने ये जो पूरा रियलिटी शो है इसमें जो टास्क हैं वो तो आपने समझ ली, लेकिन उसके सिवाय ये क्या गेम है वो शायद समझने में आपको थोड़ी कमज़ोरी रह गई, क्या आप मानती हैं? गेम समझने की बात है तो मैं एक्चुअली जो मैं हूँ मैं वही मैं यहाँ पे थी, और मैंने जो भी बॉन्डिंग बनाई या लोगों को समझने की कोशिश की मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, शायद कहीं कमी रही होगी. अगर आज मैं जाती भी हूँ तो किसी कमी के कारण ही मैं जाऊँगी, और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करती हूँ कि जो भी होगा बेस्ट होगा, और उस चीज़ को मैं ज़िंदगी में सुधारने की कोशिश करूँगी. देखिए, कमी तो आप में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप में कोई कमी है या आप किसी चीज़ को समझती नहीं है या आपको ये जो यहाँ पे जो पूरा माहौल है उसमें आप एडजस्ट नहीं कर पा रही. आई थिंक आपने इन्जॉय भी किया, और आपके साथ जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी इंट्रैक्शंस भी की और उन्होंने भी काफ़ी इन्जॉय किया. आपने टास्क में बहुत ज़्यादा से हिस्सा लिया, लेकिन जो मैंने शुरू से ही महसूस किया था कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट, जिस तरह से आप इमोशनली लोगों में, अब वो ही आपके दर्द का, दुख का, कलेश का या नफरत का या स्ट्रेस का कारण भी बनना था, और वही चीज़ इस शो में हमें ड्रामा देके हमें एक विनर भी देती थी, जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल से अपने एनवायरनमेंट में एंगेज करे. तो फिजिकली आपने एंगेज किया, इमोशनली और मेंटली जी आपने अच्छे से एंगेज नहीं किया.
मैं भी ये मानती हूँ कि आप जैसे आपने सबसे ज्यादा दोस्ती पायल से ही की हो और आपने आज खुद कहा कि हम बिल्कुल भी इमोशनल दोस्त नहीं हैं, हम जो हैं बस डिस्कस करते हैं और वही बस हमारा होता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को बचा के चलना जो है एक सिचुएशन में, हम जैसे आप अपने आप को दंगल में पूरी तरह से आप अपने आप को देते हैं, जो जो खिलाड़ी दंगल में अपने आप को पूरी तरह से ना दे, खुद को बचा के रखे, तो ऑडियंस उसको पकड़ लेगी, नहीं पकड़ लेगी कि नहीं कि ये बंदा अपने आप को खुद को नहीं दे रहा है पूरी तरह से। तो उसी तरह से ये 24 आवर्स का ये आपका फुटेज लोग देख रहे हैं, तो उसमें चाहे वोटिंग हो रही हो, जो भी खिलाड़ी खुद को बचा के जा रहा है, और मैं आपको कहूंगी बबीता जी आप तो बिल्कुल खर्च ही नहीं हुए यहाँ पे आपको क्योंकि देखने वाले को शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैंने अपने आप को खर्च नहीं किया, बट मैंने हर किसी के साथ अच्छी, मैंने अपने दिल से बता रही हूँ कि मैंने बहुत अच्छी अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की घुलने मिलने की भी। और ओब्वियसली मैं सिर्फ पायल से नहीं, पायल के साथ ज्यादा टाइम बैठे दिखी होगी, लेकिन मैं हर किसी के पास जाके अपनी खुद की भी बातें शेयर की थी। अब लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, क्योंकि मैंने भी एथलीट का रोल किया है। जी जी। और आपने मेरी फिल्म बहुत कामयाब फिल्म में मैंने हरियाणी एथलीट का रोल किया है, और वो तो बहुत छोटे लेवल के एथलीट मैंने प्ले किया था, आप तो बहुत बड़े लेवल के एथलीट हैं, लेकिन जो एथलीट होते भी हैं जी वो थोड़े मस्त मौला टाइप कैरेक्टर होते हैं। जी। तो आई थिंक आप एक ट्रू एथलीट हैं, और उसी ट्रू स्पिरिट में आपका वही मूड रहा है हमेशा। जी जी। जो है वो ठीक है और जो होगा वो ठीक ही होगा तो ये जो हुआ है ये भी ठीक ही हुआ है बबीता जी। जी जी। देखिए मैं उस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ, जो भी होता है मैं उस चीज के लिए तैयार रहती हूँ, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मैं अपने माइंड को तैयार रखती हूँ कि अगर अच्छा भी होगा तो भी मैं उस चीज को हजम कर पाऊँ, और बुरा भी होगा तो मैं उस चीज को हजम कर पाऊँ। चलिए, स्पोक लाइक अ ट्रू स्पोर्ट्समैन। और इसी के साथ आज जो लॉकअप से लॉकआउट होने जा रहे हैं वो है बबीता जी। थैंक यू जी, बधाई हो आपको। वेल प्लेड बबीता जी, वेल प्लेड रियली गुड गाइस। थैंक यू। या दिस इज हरियाणा की ट्रिप। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों की रखी है हरियाणा की ट्रिप। थैंक यू सो मच रिस्पेक्ट देने के लिए इतना। या थैंक यू, आपके साथ बहुत इतना आप लोगों ने प्यार दिया है, इतनी रिस्पेक्ट दी है, मैं आप लोगों का सम्मान करती हूँ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना मान सम्मान प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच यार, रियली थैंक यू सो मच। और एक सच अभी बता के जा रही हूँ, मुझे पहले फील हो रहा था ये 2-3 दिन से ही कि मैं जाने वाली हूँ। थैंक यू बैब, ऑल द बेस्ट सभी को, सब अच्छे खेल रहे हैं, खेलते रहिए। या करण, इस हफ्ते तो तुम बच गए, लेकिन अब कंपटीशन बढ़ता जाएगा और एलिमिनेशंस बहुत ही फास्ट ट्रैक होती जाएंगी, तो ध्यान रहे, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग सही खेल रहे हैं कि गलत, मुझे यही फर्क पड़ता है कि आप कैसा खेल रहे हैं। मेक योर गेम इंटरेस्टिंग एंड प्ले टू विन। करण, टेक योर सीट। थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी। जब हम गेम को इंटरेस्टिंग बनाने की बात कर रहे हैं तो एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी बोरिंग पर्सन मेरे लॉकअप में नहीं रहेगा। अली, तुम्हें मैंने तूफान बनाकर अंदर भेजा था और तुम बिल्कुल ठंडे निकले, तो आज इसी वक्त मैं तुम्हारा नाम अगले हफ्ते की चार्जशीट में डालूंगी। ये तुम्हारा मौका है अपने आप को बचाने का और इस चार्जशीट से निकलवाने का। अली, ये आपका आखिरी मौका है, डू योर बेस्ट। और आप सब लोग अपनी गेम को इंटरेस्टिंग बनाने में ध्यान दीजिए, किसी को अपने दिमाग के साथ मत खेलने दीजिए। हैव अ माइंड ऑफ योर ओन एंड एवरीबॉडी अप योर गेम। किसी का साइड किक या सपोर्टिंग कैरेक्टर बन के मत घूमो, अपना दिमाग चलाओ, मेक इट योर ओन विनिंग स्टोरी। और बाय द वे, मैंने सुना है बहुत ज्यादा रूल्स ब्रेक हो रहे हैं। वेल, अ
अब से करके दिखाना. See you next week. You are coming off like me and Anju as the sidekicks. Now I'll play my game. तू खुद का दे. मैं करूंगी. अच्छा नहीं करूंगी भाड़ में गया. I'm going to play my girls. Anju, thank you for saving me. चल. मुझे पता था ये तुझे बचाएगी. मैं भी थक गई हूँ अपने पास्ट को लेके सदमे में रहने का. फिर हाँ यार ऊपर से चूतिया पा, चूतिया पा. सच में चूतिया औरत बनी. देख, everyone is playing their game. Yeah, सब खेल रहे हैं. मैं नहीं खेल रही. मैं खाली टास्क में मेरी एनर्जी डालती हूँ. और वहाँ पे भी मैंने अंजू को भी ये बात बोली. मेहनत तू करती है कितनी तगड़ी, पर टास्क कौन मलाई लेके जाता है हमेशा. You have to understand. Friendship is good, relationship affection, all of that is one side. But your game has to be you. You have to be the lead of your story. हाँ मैं क्यों किसी के साथ में मेरा माखी यार. ये लोग कौन सा मेरे को मेरे घर का राशन भरने वाले हैं. कोई भी. हाँ? क्या हो रहा है कोई भी इंक्लूडिंग मुनव्वर. कोई क्या करेगा. See, क्या ये वो भी बाहर जाएगा वो अपनी पटेली में रहेगा. मैं तो इतना मेरे खिलाफ कोई बोल दे मेरा तो मूवी मैं तो रोना लग जाऊंगा मर जाऊं मैं तो. आप तो बहुत स्ट्रांग हो फिर भी. तो ये लोग अभी अभी आपको पता है हमारे यहाँ पे क्या क्या गैंग्स है सब कुछ पता है. ठीक है अब मैं अपने आप को तो सर्वाइव कर लूंगी. कभी कभार अगर जरूरत पड़ी आपकी तो मैं बात करूंगी आपसे. ठीक है अभी आपका बैग वैग पैक कर लो आपने जाने का. अरे गुड डिसीजन. Task me, you do whatever you want for the team with the team. भाड़ में ये सब लोग. I felt ना बबीता जी. वो कल ही बात की थी हम लोगों ने वहाँ पर. तीन हफ्ते तक अगर तुमको दिखाने नहीं मिला, वो connect नहीं हो पा रही थी चाह के भी. Like she has a zero friend. वो नहीं हो रही थी. उनके zero friends. Like it shows that you are not invested enough with the people you are working with or you are absolutely completing. अपनी ऑपोजिट टीम में अपन खाली कर देते भाई. हाँ ऐसा ही करते. बहुत बिल्ले लोग अपन. सामने जो भी आता एकदम खाली कर देते खोखला कर देते यार. हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं. प्लीज तुम लोग ये भी हैशटैग जो भी ये जो हरामी फैन पेजेस जो भी चला रहे ना हैशटैग ये वो बंद कर दो. ठीक है सिर्फ दोस्त बोलने की जरूरत ही नहीं है. ये बोले कि सीरीज अभी तो स्टैंप ही कर रही है तो. हाँ ये मत बोल. हम लोग दोस्त सिर्फ दोस्त अच्छे दोस्त है यार. लोग चाहते हैं ऐसे दोस्त होना. बढ़ाओ 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 भाईचारा बढ़ाओ बढ़ाओ. आज हो गई एक और कैदी की मेरे लॉकअप से छुट्टी. सब अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ को कोई फर्क ही नहीं पड़ता. वेल वक्त आने पर सबका हिसाब होगा. ये मेरी अत्याचारी जेल है और यहाँ कोई नहीं बचेगा. मेरे लॉकअप में सब हीरो बनना चाहते हैं लेकिन विलन विलन का आना अभी बाकी है. Someone is coming!
Fuck! I didn't know that. Fuck! Unbelievable! What an entry. Oh, wow. Welcome to Lock Upp. This is Chetan. Chetan! We know the phenomenal actor, Sasha! Knuckle! His name was Sasha. Yeah, 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 yeah. Sure. I'm good. The teaser. Sasha. Sasha. Lock up. Don't say lock up, man. Jeez. Yeah, it's going good, man. Sasha. The guys have become super popular. Oh, man. How's this going? It's going good. Good. So show me around, yeah, guys. Yes, of course. Bathroom. Yes. Chetan, bhaiya, ye hai hamara ghusad khana. Ye hai desi system. This is our desi washroom. Aur apne ko kuch karne wale ka na sab hisab kitab is wali ko. Only if you're the orange team, if you're the blue team, we will show you the rock. Blue team wale, acha blue team ho to abhi chalo. Chetan, aapko chetan washroom mil gaya to main wala. Abhi recently maine inke sath show kiya tha. That's how I could. And I knew that he's coming and I was just waiting when. Oh, really? Yeah. How did you know? Huh? I knew, yeah. What did he say? I was confused. I knew. I heard about him. And he's coming for the show, yeah. But he was both negative characters. Whoa, whoa. Why? इतनी पार्शियलिटी क्यों भाई वी वन इट अब ये वन अब ये वन इट अभी एक और को हटाना पड़ेगा रास्ते से हेलो दुर्जा मुंजली हो गया है फिर पता लगा मुनीशा बन जा रहा है नहीं नहीं ठीक है अच्छी बात है बॉन्डिंग करा लो सबके साथ करा लो तुमने तुम्हारे सिवा कौन बनाएगा और नाश्ता तुम ही हो जिम्मेदार हो तो अगेन लेट मी रिमाइंड यू I don't want to be like gol like Bayer. I figured it out in 2 days that you guys did not need help, so I backed out and तब से ये ऐसे लग रहा है bomb blast हुआ है तो मैंने कहा okay. तो वही मैं बोला. मैं साफ करूँगी और बैठ के खा लूँगी. वही मैंने बोला मैंने. तो हो गया ना I understood ना मैं अपने opinions वहाँ नहीं देती हूँ जहाँ उनकी. अच्छा ये तुम्हारा trigger point है क्या तो मैं वापस use ना करूँ. क्या? ये trigger point है तुम्हारा एकदम मुद्दा उठाना. मैं कब मुद्दे उठाती हूँ यार मैं अपना चिर कर दी जब तक कोई बोलता नहीं पंगा लेके मेरे सर्कल के अंदर आओगे तो मैं बोलूंगी बात बोलो जो चीज मुझे ऐसे लग रही थी ना कि यार निशा ये ज्यादा ही कर दी सेम तुम्हें सब गुड न्यूज़ सब गुड न्यूज़ निशा तो ये ज्यादा ही कर रही है इन अ डिफरेंट योर शो बट लेट्स टॉक अबाउट आवर शो आवर शो आवर शो आवर शो आई वांट टू टॉक अबाउट दिस गॉट 100 मिलियन व्यूज अमेजिंग हाईएस्ट रेटेड शो ऑन ओटीटी अभी चेतन जी आए हैं घर का माहौल थोड़ा बदलेगा पायल रोहतगी से डाइवर्जन होगा अलग इक्वेशंस बनेंगे केवीजी थोड़ा इनसिक्योर होंगे बिकॉज केवीजी के यू नो लाइन से हैं मतलब केवीजी के सेम इंडस्ट्री से हैं चेतन जी अरे 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 बै ये क्या हो गया ये है पायल रोहतगी Oh, y'all know? Okay, okay. Yeah, I know. So, I am the leader of Team Orange, but it's forget that. Aap nahi team mein aa jao, main aaj jodi. Nahi, nahi, nahi. We just showed him luxury, bro, is in luxury. Kaafi luxury hai. Bahut luxury. Varna, dekho, pata hai na. Bathroom luxury is the most important. Bro, you have to use that, huh? Commode. Huh? Indian style commode. Ya to. But we will. That stool. Chetan ji, we will need your, you know, support and your contribution will be really appreciated. Team balance. Yeah, no, no, there's no balance. We need power, we need intelligence and you have both of that. No, all right? I need you very badly. Team Orange, bro. Sorry. आप मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ कि आप कंसिडर करिए टीम ऑरेंज में आना तरस खा के मत जाना ऑरेंज में यू आर हियर टू प्ले द गेम यस टू प्ले द गेम सो प्ले द गेम तरस कोई नहीं खा रहा है आई हैव टू पिच माय टीम इवन आई एम पिचिंग यू पिचिंग योर वे आई एम पिचिंग तरस तरस एंड ऑल दैट ही इज ऑन द वे ओनली सब देख रहे हैं कि मैंने ये जगह साफ करी है विदाउट इवन आपके गार्ड्स के कहने पर या आपके जेलर साहब के अनाउंसमेंट के ऊपर मैं ये जगह साफ कर रही हूँ क्यों क्योंकि मैं ना वाइन करती हूँ ना कंप्लेन करती हूँ और मुझे ऑर्डर्स समझ पड़ते हैं और आप मुझे अनप्रोफेशनल प्लीज मत बोलिएगा बिकॉज मैं अनप्रोफेशनल नहीं हूँ ठीक है थैंक यू फॉर सेविंग मी दिस वीक अगले हफ्ते देखते हैं क्या होता है नाइस या इंडियन लुक एंड सेक्सी हॉट ड्रेसअप नाइस ना लुकिंग नाइस ये देख नाइस दिस इज नाइस है ना या
अब हम किचन का काम करते हैं। Yes. बहुत मजा। किस चीज वो को सेट विथ योर मुनव्वर को? Why? वो ना सेट विथ योर मुनव्वर। मेरे पास साइशा है तो मैं मुनव्वर के पास क्यों बैठूं? ना। He's getting bored with me. Please entertain him. Bored. वो मेरा दोस्त है मेरे को एंटरटेन नहीं करता। Don't break our bond. Who's bond? Our bond. I'm not breaking any bond. Oh, what? We know, who the bond breaker here is. Who? मेरा एक ही तो दुश्मन है इस घर में. सब यहाँ पे सब मैं हूँ. बुरा इंसान भी मैं, manipulator भी मैं, दोस्तों को दगा देने वाला भी मैं, mean भी मैं, सब कुछ मैं. यहाँ सब मैं ही हूँ. और अब मेरा प्यार भी तू है. क्या लगता है नए कैदी के बारे में? सोडा बॉटल ही है क्या? इंसान अच्छा है, इज अ गुड पर्सन, इज अ चला लेना पर्सन, उससे वो बुरी वाइब नहीं आती, बहुत अच्छी वाइब आती है. लाइक ही वो दिमाग में बहुत सारी दुनिया लेके बैठा है. एक्सपीरियंस इंसान है, 47 इयर्स. ऐसे लोग क्या है ना, उसको सिर्फ एक ही चीज प्रॉब्लम देगी, कनेक्ट होने, यंग ऑडियंस से कनेक्ट होने में. अपन यंग ऑडियंस एकदम कनेक्ट हो जाते, वो हो नहीं पाएगा. और अगर वो हो नहीं पाएगा तो वो भी बस एक ऐसा तूफान आया था, ऐसा वो एक अनदर तूफान. आपके रेफरेंस दे के कुछ बात करो, मेरी कोई भी बात ऐसी रहती है कि कोई दूसरे को बोले भी ना तो फर्क ना पड़े. यू आर अ वेरी स्ट्रांग वुमन, यू आर रिप्रेजेंटिंग ए कम्युनिटी, यू हैव योर ओन रिस्पेक्ट. Outside, there are hashtags going on. Of you know. And, these two. Yeah. And you are making a fool of yourself. It's not okay for you to take jokes this lightly. You should know. I'm telling you as a friend apart from this game. However your relationship is, however you want to continue after this, I'm not going to tell you anything. I will not. This is my first and last time which I am trying to tell you as a third person when I see when you're representing a community. To just give you a lowdown on things, as of now their team is stronger in terms of the task, they've won because more than us. Because our coordination is very well. Yeah. Their sync is good. They have two masterminds in that team, which is KV and Munawar. Here what has happened why is... Why are you forgetting him? No, I'm not a mastermind, bro. No, mastermind wo hai. He is very dedicated, 100% apna deta task mein. And there are a lot of followers in that team, like who are okay to be followers. You know, now with all the feedback that Kangana has given, those followers might try to become leaders. But you know, sometimes it's like it's inherent. Either you're a born follower or a leader, right? Yeah, yeah. Like they say, leaders are born. Of course. मेरे behaviour में कोई changes नहीं है. मैं जो हूँ मैं वो हमेशा रहूँगी और ये तू भी जानता है. मेरे को अभी मेरा जो मन कर रहा है वो करना है. तभी तक तुम वो कर रही थी जो तुम्हारा मन नहीं कर रहा था. कुछ चीजें मैं अपने मन के खिलाफ भी कर रही थी. There are certain things. Let me be me now. अच्छा तो तुम मुझे लगा you were yourself. I was. मैं बीच-बीच में ये हो रही थी थोड़ा सा. बीच-बीच में I was like ठीक है यही मेरा ग्रुप है. स्टॉप टॉकिंग टू एवरीबॉडी. मैंने किसी से बात करना बंद कर दिया था. मैंने सबसे मैं हमेशा ग्रुप के लिए मैं ये करती थी कि ये मेरा ग्रुप है. ग्रुप के लिए मैंने फाइट किया. ग्रुप के लिए मैंने खेला है. जो भी किया मैंने ग्रुप के लिए किया. मेरे को अपने लिए करना है. एक मिनट, तुमको किसने बोला ग्रुप के लिए लड़ने को? तुमको किसने बोला इससे बात नहीं करना? किसी ने नहीं. तो एग्जैक्टली वो भी मेरा डिसीजन था और ये भी मेरा डिसीजन. I'm not saying कि तुम किसी और से बात नहीं कर रही हो. मेरे को तेको खाली ये बोलना है कि अगर तुझे ऐसा थोड़ा भी लगता है कि मेरे में कोई ये मेरे में कोई ड्रास्टिक चेंज है या तेरे को ऐसा लगता है कि कुछ भी तो ऐसा मत सोच. मैं कभी ऐसे एनवायरनमेंट में रहा नहीं हूँ कि मैं 10 दिन 15 दिन किसी के साथ हूँ कि मेरी उनसे दोस्ती हो जाए. मैं कभी ऐसे रहा नहीं. बट आई नो माई नेचर कि अगर मैं 20-25 दिन किसी के साथ हूँ तो मैं अच्छा दोस्त बन जाऊँगा. और वो सब हो रहा था. उस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था, इसलिए तुमसे इस तरह के जो मजाक करता था वो मैं करने लगा.
समझ। और वो वाली बात जो तुमने किचन वाली बोली जो तुम्हें बुरी लगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई विल मेक श्योर कि मैं कभी ऐसा कुछ मजाक ना करूँ कि तुम्हें जिससे बुरा लगे। बट यू नो मी, मैंने वो एज अ फ्रेंड मजाक किया, तुम्हारी कोई फीलिंग का मजाक किया या वैसा नहीं था। वो खाली एक सामने वो देना एक दूसरे को वैसे वाले में ही था। आई रिस्पेक्ट यू और अलॉट, एंड जस्ट बिकॉज आई डोंट नो कि वो फीलिंग्स कैसी है क्या है। इट्स वेरी प्योर, अच्छी बात है, आई रियली रिस्पेक्ट दैट। बट आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग दैट मेक यू फील के ओ देयर इज अ होप और एनी थिंग, यू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे कोई और भी लड़की होती, कुछ भी मेरे सामने कुछ भी दिखाती, मैं उसको भाव ना देता, उसका एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न, समझ, उसका एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है दैट आई लव समवन एल्स। ठीक है, मैंने भी ये सोच के नहीं आई थी कि यहाँ पे मुझे कुछ वैसे फीलिंग्स हो जाएंगे या मुझे यहाँ से प्यार होके निकलना है। मैंने भी जैसे तू यहाँ आया था, मेरा भी गोल बस वही था। सेकेंडली जो बात हुई वो जो जोक की, उसमें क्या है, आई कम विथ इनसिक्योरिटीज, एग्जैक्टली, आई एम सॉरी फॉर दैट। नो, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एज अ ट्रांस वुमन बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीपल टेक फॉर ग्रांटेड। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी सेलिब्रिटी हूँ, मेरी लाइफ प्रिविलेज्ड है, तो मुझे कुछ झेलना नहीं पड़ता है, रादर मैंने 2% भी झेला नहीं है। लेकिन मैं अगर ऐसी चीज़ें ओके है दिखाऊं यहाँ पे, तो बाहर भी लोगों को लगेगा कि ऐसी चीज़ ओके है। एंड मैंने वो देखा नहीं, जो मैंने वो बोला ना वो एज अ फ्रेंड, एंड आई गेट योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट वही है ना फिर थोड़ा। I understand. चलो यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं। या ठीक है, आई डोंट लाइक हर फेस, सच अ नेगेटिव वाइब। जब ये हंसती है ना इतनी नेगेटिव वाइब देती है ना, इतनी नेगेटिव। सुबह सुबह मैं सो के उठा था तो वो योगा कर रही थी, देख के डर गया था ये क्या हो रहा है, क्या है, क्योंकि वो ना बहुत डिस्टर्ब माइंड में बैठ जाती है ना, फिर रात को डिस्टर्ब महीनों तक अब वो एक बार बैठ जाता तो फिर वो माइंड में बैठ जाता है। फिर मैंने आओ थोड़ा सीधा सोचे, आओ अपनी तरह अपनी सोच बदले, चालू हो गया, सुना ना मुनावर का डैमेज कंट्रोल करें, आओ डैमेज रिपेयर करें, क्या चल रहा है, कुछ हो रहा है, गड़बड़ है, अब क्या हुआ भाई, एक जन आ रहा है इधर भाई, कुछ तो लोचा है, क्या हो गया बहन, आई हेट दिस लाइन, कह दी इस गोटियो, नहीं काला पानी, काला पानी, अरे ये आइए खास ताला खोल के, यार अभी आज के दिन रहने दो, काला पानी तो ये है, मैं कल वहाँ पे चली जाऊंगी, मैंने आज ये पूरा साफ किया, साफ किया झाड़ू, नहीं मैंने आज पूरा साफ किया, मैं कल चली जाऊंगी, आप क्लियर हो ही नहीं। पायल, पायल मजा आ जाएगा ना अगर स्क्रीन पे लिख के आए थैंक यू फॉर क्लीनिंग पायल। ये डंजन है, ये डंजन है, ये वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, ये काला पानी, नहीं नहीं ये डंजन है, डंजन उन्होंने यूज किया कभी, पायल वो ऑर्गेनिक है, मैं यहाँ पे सोऊंगी, इतनी मेहनत से क्लीन किया उसने, इतनी मेहनत से क्लीन किया, मैंने बहुत क्लीन किया, मैं कल चली जाऊंगी, अरे वो कलर वाला मैं नहीं जाऊंगी, अरे आज मैंने बोला आज पूरा सफाई किया है, कलेजे में जैसे ठंडक पै गई है यार, मजा आ गया यार, क्या घुमाया है भाई, क्या घुमाया है, इसको भी आ रहा है, मजा आ गया, समझी बात है, आप जेलर साहब को बुलाइए, मैं नहीं आ रही, आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते, नहीं एक मिनट, एक मिनट, आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते, हाँ सो लेट देम इंक्रीज प्लीज, आप देख रहे थे मैं सफाई कर रही थी, आपको मुझे बोल देना चाहिए था, वो है मैं वहाँ पे सफाई कर देती, शिवम को दुख हो रहा है, ओह दुख तो किसी को नहीं हो रहा, केवी केवी से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी, क्या खुशी छुपा रहा अंदर के अंदर, कवर करनी केवी, केवी आई एम अ ह्यूमन बीइंग आल्सो, नो
इतना भी मेरे साथ जाती मत करिए ना, मैंने इतनी मुश्किल से जगह साफ करी, आपने देखा मैंने जगह साफ करी, तो आप क्लैरिफाई कर सकते थे कि ये नहीं है वो है, या गार्ड आप पहले भेज सकते थे, आपने पहले भी गार्ड नहीं भेजे, आपके गार्ड आए उसके पहले मैंने जगह साफ करी, बिकॉज मुझे पता था कि आप गार्ड कभी भी भेज सकते हो, तो अभी ऐसे करना गलत बात है ना। के भाई ने कितनी खुशी कितनी मुश्किल से छुपाई है मामा, कितनी मुश्किल से इंसान ने इसको दे मामा खुश, तो मैं खुश, मामा खुश, तो नहीं नहीं मामा खुश मैं खुश, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। हाय सजा तो भोगनी पड़ेगी भाई, देख जो रूल है वो रूल है, एंड कंगना सेड डोंट ब्रेक एनी रूल, मैं देखती हूं कैसे रूल आप तोड़ोगे। खुला है भाई, नहीं नहीं लॉक है, वी विल हैव, नहीं लॉक तो अंदर से है, सी अभी ये सूखने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, अब क्या करें वो चाह रही है, इतना मत डालना पानी, उसी से साफ कर ले, पर उसको पानी चाहिए, उसने वहां पे भी ऐसे किया था, यू वांट ऐसे पानी ना पायल, यू वांट ऐसे पानी, ये सूखेगा कब, नहीं पुट द वाटर, ही जस्ट वाइप इट, दिस इज टू मच वाटर, नहीं दे आर बिकॉज़ दे वांटेड टू डू दैट, नहीं देखो दे हैव टोल्ड मी बिफोर ना, मैं ये साफ कर देती, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर टॉर्चर नो, अत्याचार, ठीक है करो 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 जो करना है करो, आप यहाँ आए हैं और ये सब रॉन्ग, मतलब वो इस तरीके से बात कर रही है जैसे इसके घर में मेहमान आया हो और आके इसको डांट रहा हो, तुम उनके यहाँ पर मेहमान हो, वो जब चाहेंगे बाहर निकाल देंगे, उनको कंटेंट चाहिए ना, कंटेंट, अभी छेड़ने जा रही है पायल, मत छेड़ना, मैं तेरे को सही बता रहा हूँ, जिंदगी में पूरी दुनिया संसार में ना 100 साल में एक सलाह आती है, तो 100 साल की संसार की सलाहों में से एक सलाह ये, मतलब संसार में 100 साल होते हैं ना जब, तो एक सल एक सलाह आती है, वो सलाह 100 साल होते हैं, 100 साल में एक बार सलाह आती है, वो सलाह आज की है कि पायल को मत छेड़ो, कुछ भी कर देना आग मार देना, बट उसको नहीं छेड़ो, मैं ये भी नहीं कॉल कर फोन कर देना भी नहीं बोल सकती, गुड नाइट, चलो गुड नाइट, टेक केयर, इफ नॉट अ यूनिकॉर्न पेगासस, ओके आई एम नॉट लाइकिंग दिस, चलना इट्स ओके ना, ओम नमः शिवाय, नहीं यार देंगे आज रात को, चलना मेरे को, मैंने बोला था यू विल गेट थ्रू, पायल इट्स फाइन यू विल डू इट, पायल मैं वो अभी सो रही थी ना, मैंने इतना तो कुछ नहीं किया, आई हैव अ राइट टू डिफेंड माय सेल्फ, आई एम सॉरी फॉर व्हाट यू, इमेजिन हाउ कूल यू गोना लुक पायल डूइंग हैंड स्टैंड एंड स्टफ इनसाइड, रॉक स्टार यू गॉट दिस गर्ल, समझे? मिले ड्राई है वैसे भी फेंकने का इसको, तो जस्ट यूज दिस, पहले वो पोछ लो, ऊपर का बेंच पोछ लो एक बार, इससे ज्यादा अत्याचार कुछ नहीं हो सकता, पूरे घर में या गोइंग 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 जा रहे जा रहे जा रहे, पायल बीच में ज्यादा करो, नहीं तो गीला हो जाएगा फिर ड्राई नहीं होगा बीच में, चलो अब जल्दी सूख जाएगा पायल, ओके आई थिंक इन हाफ एन आवर इट शुड फिनिश, आप आदि शक्ति हो मैम, आप गॉड आ गए, चलो जा रहे चलो चलो पायल, ओके बाय, चलो गुड नाइट, बाय गुड नाइट, गुड नाइट, स्लीप राइट, कुछ नहीं मेक द कन्फाइनमेंट लुक ब्यूटीफुल पायल जी, या यू आर बहुत गी यार, अभी बुरा लग रहा है पायल को, रोका ये भी हट नहीं रहा, I don't like her, but अभी मुझे बुरा लगा, of course, me too, हाँ bro ही ना जब वो बुरा लगा, but उसने ये बोला I don't deserve this, वो मुझे बहुत लगा, उसने बदतमीजी की है वो level पे, अब एक और कैदी मेरे लॉकअप में बंद हो गया है, बड़ी ही रंगीन एंट्री थी, लेकिन ये क्या रंग दिखाएगा अंदर, ये आने वाले हफ्ते में पता लगेगा, सी यू नेक्स्ट वीक।